निजी बस ऑपरेटरों के आगे घुटने टेकती हुई जयराम सरकार ने प्रदेश की आम जनता पर वित्तीय बोझ डाल दिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने न्यूनतम किराए में दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। बस ऑपरेटरों के दबाव में लिए गए इस फैसले पर सरकार को जनता का विरोध झेलना पड़ सकता है। कैबिनेट फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद सवारियों को सरकारी और निजी बसों में 3 की बजाय 6 रूपए न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। न्यूनतम किराया 3 किलोमीटर तक के सफर पर तय ही लागू रहेगा। सरकार ने साधारण किराए में भी 20 से 24% बढ़ोतरी की है। मैदानी क्षेत्रों में सामान्य किराया 1.12, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.75 रूपए प्रति किलोमीटर होगा। डिलक्स और वोल्वो बसों में भी सरकार ने सफर महंगा कर दिया है। गौरतलब है कि निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किराया बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था। बता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2013-14 में ये किराए बढ़ाए गए थे और 2013 और 18 के बीच में जो ये 5 वर्ष हैं, इसमें जो चाहे इन्हांसमेंट डीजल की हो, पेट्रोल की हो, या जो एक मेंटेनेंस की बात हो इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश इस कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि सामान्य बस जो है मैदानी क्षेत्रों में पहले इस समय जो उसकी पर किलोमीटर दर है वो 90 पैसे है, उसको बढ़ा करके 1.12 रूपए किया गया है और ये लगभग 24.47% बैठती है। उसी तरीके से अगर पहाड़ी क्षेत्रों में ये किराया वृद्धि जो है वर्तमान में 1.45 रूपए है और इसको प्रस्तावित जो किया गया आज मंजूरी दी गई है वो 1.75 रूपए है, यानी 20.68% की वृद्धि की गई है। डीलक्स बसेस जो चल रही है वो मैदानी क्षेत्रों में इस समय 1.10 रूपए है और ये प्रस्तावित 1.37 रूपए है, ये लगभग 22.23% की इन्हांसमेंट की गई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में ये 1.80 रूपए इस समय है डीलक्स बसेस का और 2 रूपया लगभग 17 पैसे की वृद्धि की गई है, ये लगभग 18.63% बैठता है। और उसी तरीके से अगर वोल्वो बसेस की बात की जाए तो इसमें भी किराए में आंशिक वृद्धि की गई है, यानी मैदानी क्षेत्रों में ये 2.20 रूपए है और इसमें जो इस समय वृद्धि की गई है 2.74 ऐसा करके प्रस्तावित किया गया है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय 3 रूपया प्रति किलोमीटर, ये 3.62 करके इसमें प्रस्तावित किया गया है, तो कुल मिलाकर के 3.62 रूपए ये प्रस्तावित किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो HRTC बसों के किराए की बात है ये हिमाचल प्रदेश के उन जो बसेस चलाने वाले हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में है सरकारी क्षेत्रों में है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया गया है और ये बड़ा आंशिक जैसी बढ़ोतरी है। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के ये सारी बात मैंने आपके समक्ष रखी है। हिमाचल प्रदेश